नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव। एक बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ की राजनीति से, वो हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सीएम का नाम साफ हो गया है, जिस पर लगातार सस्पेंस चल रहा था। विष्णु देव साय अगले सीएम हो सकते हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ वो राज्य जहां पर बीजेपी जीती और लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। रमन सिंह को फिर से पार्टी भरोसा जताएगी, मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर कोई नया नाम सामने आएगा, कई नाम रेस में चल रहे थे। लेकिन सूत्रों के हवाले से एबीपी न्यूज को जो खबर मिली है वो बहुत बड़ी है कि अब विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ के अगले सीएम हो सकते हैं। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तीन पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे और उनकी उपस्थिति में छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक अभी भी चल रही है। अंदर खाने से जो खबर निकल कर आई है सूत्रों के हवाले से वो हम आपको बता रहे हैं कि विष्णु देव साय अगले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। अब नाम साफ हो गया है, कंफर्मेशन आ गया है। बड़ी अपडेट जान लीजिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम सामने आ गया है, विष्णु देव साय। अब पार्टी ने उनका नाम चुन लिया है अगले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के। याद कर लीजिए, विष्णु देव साय जो है उनका नाम सामने आया है। बैठक हुई विधायक दल की, पर्यवेक्षक थे वहां पर, और अब विष्णु देव साय जो हैं वो नए मुख्यमंत्री होंगे छत्तीसगढ़ के। अंकित गुप्ता जुड़ रहे हैं हमारे साथ रायपुर से, लाइव अपडेट हमको देंगे कि विष्णु देव साय के नाम पर मुहर लग गई है और क्या हुआ बैठक में। अंकित जी, बिल्कुल, देखिए विष्णुदेव साय के नाम पर मोहर लगी है और एबीपी न्यूज ने सुबह आपको 10 बजे के आसपास ही कंफर्म कर दिया था कि आज जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है वो यही था कि विष्णुदेव साय जो इस रेस में सबसे आगे चल रहे थे और उसकी वजह यही थी कि वो जो है एक आदिवासी चेहरा है, उनके पास में अनुभव है, केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, दूसरी चीज है उनके पास में वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनके पास में न सिर्फ जो है मंत्री पद का अनुभव रहा है बल्कि उसके साथ में अनुभव रहा है प्रदेश में जो है अध्यक्ष पद का भी, और संगठन पर भी उनका उतना ही जो है जोर था या उनके पास में अनुभव था। इसके साथ ही में कहा यह भी जा रहा है कि रमन सिंह के भी वो करीबी थे और आरएसएस के भी उतने ही करीबी, तो ये कई सारे फैक्टर थे, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर विष्णु में क्या है आवासीय एक बड़ा चेहरा है और ये जो इनका जो चुनाव किया गया है इस चीज को भी ध्यान में रखा गया है कि 2024 के जो चुनाव होंगे वहां पर जब जो है जो पड़ोसी राज्य है, फिर चाहे वो तेलंगाना की बात की जाए, उड़ीसा की बात की जाए, फिर चाहे वो बात की जाए झारखंड की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, ये वो जो तमाम पड़ोसी राज्य कर्नाटक की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, जहां पर आदिवासी समुदाय के लोग हैं वहां पर जो आदिवासी वोट है उसको भी साधने में मदद मिलेगी और इसी वजह से लगातार चर्चा चल रही थी। हमारे सूत्रों ने हमको जो है देर रात में इस बात का इशारा किया था, जिसके बाद में हमने अपने दर्शकों को सुबह बताया था कि विष्णु देव साय इस वक्त रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि नाम जो दो से तीन नाम लेकर के पर्यवेक्षक यहां पर आए थे, लेकिन जब तमाम जो है विधायकों से चर्चा की गई तो फिर यही पाया गया कि विष्णु देव साय का जो पड़ रहा है वो क्यों भारी है। और फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाता हूं, देखिए यहां पर इस वक्त जो है जहां पर विधायक दल के अंदर बैठक चल रही है, बाहर तमाम समर्थक मौजूद हैं और तमाम समर्थक अपना इंतजार कर रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। विष्णुदेव आपको मिल गई जानकारी? तो बोल ही रहे हैं भैया। तो क्या कहेंगे, कैसे रहा चुनाव? बहुत बढ़िया रहेगा भैया, बीस पच्चीस साल फुर्सत है। क्या वो फैक्टर रहा, क्या लगता है जिंदाबाद क्या लगता है क्यों उनको चुना गया? कांग्रेस का भी अपेक्षा करें हिम्मत की कांग्रेस सरकार आएगी या भारतीय जनता। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, कुछ सुनने में आया है? हम तो पहले ही लग रहा था कि विष्णुदेव साय से हम बने चाह रहे थे। क्यों उसकी वजह? क्योंकि एक युवा व्यक्तित्व है और इतने साल का अनुभव। तो अंकित गुप्ता को आप सुन रहे थे, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, वापस आपको लिए चलेंगे। एक बार फिर मैं आपको खबर बता दूं कि विष्णुदेव साय का नाम क्लियर हो गया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के लिए। इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि विष्णुदेव साय जो है आदिवासी चेहरा है, केंद्रीय मंत्री के पद पर रह चुके हैं, इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ये सारा अनुभव उसके बाद ये नाम निकलकर सामने आया है। मंत्रणा के बाद और लंबी विधायक दल की बैठक चली, उसके बाद विष्णुदेव साय अगले मुख्यमंत्री होंगे छत्तीसगढ़ के। अब की बार 90 में से 54 सीटें बीजेपी ने जीती है छत्तीसगढ़ में। पर्यवेक्षक बनाए गए अर्जुन मुंडा और अब यह तय हुआ है कि आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साय, लंबा अनुभव है, वो अब मुख्यमंत्री होंगे छत्तीसगढ़। तो चलाएंगे ही, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी इनका काफी योगदान होगा छत्तीसगढ़ से लोकसभा की सीटें निकालने में। अंकित के पास आपको लिए चलते हैं, आपके पास लौटूंगा बिलाल।
अंकित, लंबा राजनीतिक करियर और बहुत बड़ा राजनीतिक संघर्ष, और अब मुख्यमंत्री बन गए 2023 में, निश्चित तौर पर और समझा जा सकता है। देखिए यहाँ पर जो है इस वक्त जो है जो सबसे बड़ी चर्चा थी ना विष्णुदेव साय के फेवर में, वो यही था कि ना सिर्फ उनके पास में अनुभव है संगठन चलाने का, बल्कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान वो मंत्री भी रहे, स्थानीय लोग मौजूद हैं। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? बहुत बढ़िया फैसला है। भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता जो विधायक रहे, 3 बार के सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, उन्होंने लंबा सफर तक, यहाँ पर चर्चा हो रही थी महिला को भी, लेकिन विष्णुदेव साय को चुना गया। जी बहुत अच्छी खुशी की बात है, एक आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग लंबे समय से थी। आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग बहुत लंबे समय से थी और आज वो पूरी हो गई है। मोदी है तो मुमकिन है किनारे, और कोशिश करते हैं और भी लोगों से बात करें। यहाँ पर देखिए इस वक्त जो हलचल है बहुत ज्यादा तेज, आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग सालों से थी। ये आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी प्रदेश होने के कारण आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग थी, और ये छत्तीसगढ़ के विकास का चेहरा, छत्तीसगढ़ के विकास का चेहरा है आदिवासी मुख्यमंत्री, पहला आदिवासी मुख्यमंत्री। जी पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए कि जोरदार, कांग्रेस कभी सोचे मत कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे करके। पहली बार आदिवासी जसपुर का जुदेव जी का सम्मान है, आदिवासी मुख्यमंत्री जुदेव जी के सिपाही को मुख्यमंत्री बनाए। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था, लगातार चर्चा ये की जा रही थी कि इतने सालों में कोई आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बना है, और अंदर आतिशबाजी सुनाई पड़ रही है। तो इस वक्त जो है अब यहाँ पर पूरी तरीके से जश्न का माहौल है, और फिर दोहरा रहा हूँ एबीपी न्यूज ने सुबह 10 बजे ही अपने दर्शकों को बता दिया था कि कैसे विष्णुदेव साय इस रेस में सबसे आगे हैं, और उसकी खासियत क्या थी। खासियत उनकी यही है कि यहाँ पर एक तो सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास संगठन का अनुभव है, प्रदेश का जो है अध्यक्ष रह चुका है, उसके अलावा मोदी सरकार में मंत्री, इसके अलावा आदिवासी चेहरा, इसके साथ में उनका अनुभव, राजनीति का अनुभव। ये भी कहा गया कि रमन सिंह के भी जो है, रमन सिंह भी उनके नाम पर हामी भर सकते हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया कि आरएसएस के भी वो करीबी रहे। तो एक ऐसा व्यक्ति, ये देखिए इस वक्त यहाँ पर निश्चित तौर पर आतिशबाजी बाहर की तरफ, जितेंद्र इस वक्त जो चारों तरफ से आवाज गूंज रही है, बाहर की तरफ आतिशबाजी भी शुरू हो गई है। तो निश्चित तौर पर एबीपी न्यूज की खबर पर लगी है मोहर। सुबह 10 बजे हमने अपने दर्शकों को बताया था कि विष्णुदेव साय इस रेस में सबसे आगे, और आखिरकार दोपहर 3:15 बजते एबीपी न्यूज ने दर्शकों को सबसे पहले दी है जानकारी कि कैसे उनके नाम का किया गया है चुनाव, और वो होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। जी एबीपी न्यूज हमेशा दर्शकों को आगे रखता है। अहमद बिलाल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अहमद बिलाल, नाम साफ हो गया है विष्णुदेव साय, आदिवासी चेहरा, लंबी राजनीति का अनुभव, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, अब वही अकेले मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल विवेक, देखिए जब से 3 तारीख को छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत हुई थी, तब से एबीपी न्यूज ने शुरुआत में ही बताया था कि विष्णुदेव साय जो है वो इस रेस में सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, और पिछले कई दिनों से लगातार जो है एबीपी न्यूज विष्णुदेव साय से जो है वो बातचीत भी कर रहा है, और लगातार अपने दर्शकों को ये बताता जा रहा था कि एक आदिवासी चेहरा छत्तीसगढ़ की कमान संभालना सकता है, ऐसा जो है वो बीजेपी के सूत्र भी जो है हमें बता रहे थे। और आज हमारी खबर पर साफ तौर पे मुहर लग गई है, विष्णुदेव साय एक आदिवासी चेहरा, 4 बार के सांसद रह चुके हैं, 3 बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, कुनकुरी विधानसभा से आते हैं, और उनके मुख्यमंत्री बनने के पीछे की अगर आप साइकोलॉजी को भी समझे, उनके नाम पर मुहर क्यों लगी, तो गृह मंत्री अमित शाह जब कुनकुरी विधानसभा पर विष्णुदेव साय के समर्थन में प्रचार करने के लिए आए थे, तो उसी वक्त सार्वजनिक मंच से अमित शाह ने यह ऐलान किया था जनता से कि आप विष्णुदेव साय को विधायक बनाइए, इनको बड़ा आदमी, बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा पद देने का काम मेरा होगा, और आज जो है वो वादा निभाया गया है। और इसीलिए जो बीजेपी कार्यालय के बाहर की जो भीड़ है वो देखिए, यहाँ पर अब विष्णुदेव साय के जिंदाबाद के जो नारे हैं वो लगना शुरू हो गए हैं, जयकार के नारे जो है वो यहाँ पर लगना शुरू हो गए हैं। हम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो है वो कई बार विष्णुदेव साय से जो है वो जा करके हमने बात करी, और हर बार उनका यही कहना था कि अभी तक पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसको पूरी निष्ठा और पूरी जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी के साथ जो है वो अब तक उन्होंने निभाया है। और वैसे ही अगर ये उनकी निष्ठा का ही फल है अहमद बिलाल की, 1989 में इन्होंने वो पंच के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, और 2023 में वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं, गांव से जुड़े रहे हैं, और पंच के रूप में अपना करियर शुरू करके अभी मुख्यमंत्री बन जाना, नीरज पांडे भी मुझे स्क्रीन पर दिखने लगे हैं और अंकित गुप्ता भी, अहमद बिलाल जुड़ रहे हैं। अहमद, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे
कि मुख्यमंत्री के नाम पर जो सस्पेंस तो चल रहा था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचे थे तो वो अपनी जनसभा में ये बात बोल चुके थे कि आप इनको विधायक बनाइए, इनके लिए बहुत बड़ा पद सोचा गया। मतलब प्लानिंग बहुत लंबे समय से चल रही थी, सब कुछ तय था कि अगर ये विधायक बनते हैं तो फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल विवेक देखिए अगर आप इसके पीछे की वजह समझे वो कौन से चीज़ें हैं जो कि विष्णु देवसाय के नाम पे मोहर लगने पे कारगर साबित हुए। देखिए विष्णु देवसाय एक बड़ा नाम है, बड़ा आदिवासी चेहरा है, सरगुजा संभाग से आते हैं, वो सरगुजा जहां से बीजेपी को ने 14 की 14 सीटें जो है वो इस बार जीती हैं। ऐसा छत्तीसगढ़ राज्य का जब से गठन हुआ है साल 2000 से ऐसा कभी नहीं हुआ था। पिछली बार 2018 में कांग्रेस ने 14 की 14 सीटें वहां पर जीती थी और इस बार 14 की 14 सीटें जो है वो बीजेपी ने जीती है। कांग्रेस का सूपड़ा पूरी तरीके से सरगुजा में साफ कर दिया। तो ऐसे में माना जा रहा था यही कि विष्णुदेव साय को कहीं ना कहीं इस चीज का इनाम जो है वो जरूर मिलेगा और विष्णुदेव साय एक बड़ा नाम है। मोदी का कैबिनेट 1.0 में भी वो केंद्रीय इस्पात के राज्य मंत्री रहे हैं तो जाहिर तौर पे बड़ी जिम्मेदारियां जो है वो उनको पार्टी की तरफ से जरूर मिलती है। इसके अलावा रमन सिंह के करीबी भी जो है वो माने जाते हैं तो कहीं ना कहीं रमन सिंह भी जो है वो ज्यादा जो है वो विष्णुदेव साय के नाम पे जो है वो संतुष्ट रहेंगे। इसके अलावा आरएसएस के जो करीबी है विष्णु नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं, आऊंगा अहमद बिलाल आपके पास। नीरज पांडे, जो नाम सामने आया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का विष्णु देव साय, इससे बीजेपी ने कई सारी चीजें, कई सारे फैक्टर, कई सारे कारक एक साथ साध लिए हैं क्या? विवेक देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई निर्णय लेती है बहुत सोच समझ कर लेती है और निश्चित रूप में आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री बनाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है, क्योंकि चार बड़े ऐसे स्टेट हैं जहां आदिवासियों की बड़ी संख्या है। उड़ीसा से आप शुरू करें तो उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पर आप एक पूरी लाइन है जहाँ पर आदिवासी समाज की एक बड़ी संख्या है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री चेहरा बनाया है तो निश्चित रूप में इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर बहुत समझना जरूरी विवेक, चुनावों में जैसा कि कहा जाता है कि एबीपी न्यूज सबको रखे आगे, एक बार फिर एबीपी न्यूज ने साबित किया है कि विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी घोषित करे, उससे पहले एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों को बता दिया कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। यही हमारी खासियत है क्योंकि हम अपने दर्शकों को आगे रखने का प्रयास करते हैं और आगे रखते भी हैं और आज इन तीनों चुनावों में सबसे पहले सारी बड़ी खबरें देकर ये साबित भी किया है हमारे ग्राउंड के रिपोर्टर्स ने, हमारी टीम ने, तो ये एक बार फिर साबित हुआ है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम जब घोषित करना था तो लोगों की, हजारों लाखों लोगों की टकटकी एबीपी न्यूज की तरफ लगी हुई थी और एबीपी न्यूज ने किसी को निराश नहीं किया। सबसे पहले नीरज पांडे आप हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एबीपी न्यूज जैसा हम कहते हैं अपने दर्शकों को कि आपको आगे रखता है तो हम खबर पहले बताते हैं। अहमद बिलाल स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको, उनके साथ बातचीत करने के लिए है। अहमद, ओवर टू यू। भैया बचाओ बचाओ बचाओ। विवेक देखिए, जैसे ही विष्णुदेव साय का नाम जो है वो यहाँ पर घोषित किया गया, देखिए कार्यकर्ताओं में किस तरीके की जोश, किस तरीके का उत्साह जो है वो आप देख सकते हैं। डफली लेकर के जो विष्णुदेव साय के समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उम्मीद थी बिल्कुल। कब से इंतजार कर रहे थे हम लोग तो, काफी दिन से इंतजार करते हैं। जो भी पार्टी निर्णय लेगी, उचित निर्णय लेगी, पार्टी हित में होगा, चाहे जिसको बनाए, मोदी जी को हमको 2024 में लेके आना है, ये हमारी ताकत है। रमन सिंह ने 15 साल तक शासन किया, अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए, विष्णुदेव साय कैसे मुख्यमंत्री? जो भी होंगे अच्छे मुख्यमंत्री होंगे मोदी जी के मार्गदर्शन में। 2024 में कांग्रेस को अतीत बना देंगे, घरों में कांग्रेस की फोटो लगेगी और उसमें माला लगाई जाएगी और बताया जाएगा बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, कि ये कांग्रेस कभी हुआ करती थी जिसने सिर्फ और सिर्फ सनातन का विरोध करने का काम किया, देश के टुकड़े किए, चीन को जमीन दी। तो देखिए यहाँ पर विवेक जो है कि किस तरीके से कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर जश्न मना रहे हैं और सबके यही कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरीके का निर्णय लिया हुआ है जो है वो काफी बेहतरीन है और जो है वो इसका फायदा सीधे आने वाले लोकसभा चुनाव में जो है वो देखने को मिलेगा। हम आपको अगर और आगे की तस्वीर दिखाने की कोशिश करें हम कि आखिर बीजेपी कार्यालय के अंदर जो है वो किस तरीके का सवाल है। देखिए यहाँ पर विष्णुदेव साय यहाँ बन गए मुख्यमंत्री जी। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद थी
जी बिल्कुल उम्मीद थी भाई साहब। जी बिल्कुल था, इंतजार था विष्णुदेव साहब। हाँ बिल्कुल इंतजार। विष्णुदेव साहब जी जिंदाबाद, विष्णुदेव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जो सोच रही थी जनता उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया गया। बहुत बहुत बधाई है आपके चैनल की तरफ से। छत्तीसगढ़ का ढेर सारा विकास होगा आदिवासियों के। बहुत 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 हम बहुत अच्छी बात है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र है और एक आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री का दायित्व मिलना, आदिवासी चेहरे को कमान दी गई है, ऐसी उम्मीद जो है वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो बड़ी देर से बहुत काफी दिनों से कर रही थी। और अगर हम आपको और आगे की तस्वीर, अंदर की तस्वीर अगर हम दिखाने की कोशिश करें, मेरे कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी से मैं कहूँगा कि एक बार अगर वो बीजेपी कार्यालय के अंदर की तस्वीर जो है वो दिखाएं, समर्थक जो है वो अब गेट के बाहर जो है जो मेन एंट्रेंस है बीजेपी कार्यालय की, वहां पर इंतजार कर रहे हैं और अपने नेता का, अपने नए मुख्यमंत्री का इंतजार जो है वो यहां पर कार्यकर्ताओं में यहां पर देखने को मिल रहा है। बन गए जी अहमद बिलाल, बहुत बहुत बधाई हो विष्णुदेव साहब। अहमद बिलाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रायपुर बीजेपी ऑफिस से, वहां पर कार्यकर्ता जमा है, अंदर विधायक दल की बैठक चल रही है और अभी विष्णुदेव साय के नाम का आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन नाम तय हो गया है, अगले मुख्यमंत्री यही होंगे। तो मैं अब आपको बता देता हूं कि विष्णुदेव साय कौन है, उनके बारे में क्या क्या जानकारी है, अब तक किन किन पदों पर रहे हैं। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, कुनकुरी से विधायक भी हैं, संघ में इनकी अच्छी पकड़ है, आदिवासियों के ये बड़े नेता हैं और रमन सिंह के करीबी भी माने जाते हैं। तो इस जानकारी से आपको और हमें ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष होना, आदिवासी का बड़ा नेता होना और रमन सिंह का करीबी भी होना, तो कई सारे विरोधाभास जो पार्टी के अंदर चलने वाले थे उसको साथ दिया है बीजेपी ने। अंकित गुप्ता, जो कई कॉन्ट्राडिक्शन होने वाले थे, जो लोगों की नाराजगी हो सकती थी जो कि हुई नहीं, उसको बीजेपी ने ये नाम देकर साथ लिया है बहुत अच्छे से। बिल्कुल बहुत अच्छे से साथ लिया है, उसकी वजहें अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे ना कि वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, जितने आप तस्वीरें दिखाते रहिए हम लोग चर्चा करते रहेंगे। ये तस्वीरें जो है बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है उसके बाहर की है और जो तमाम जो कार्यकर्ता है पूरी तरीके से जश्न में है। देखिए अब से कुछ देर पहले जब हम इन कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे तो कोई रेणुका सिंह का नाम ले रहा था, तो कोई अरुण साव की बात कर रहा था, तो कोई किसी और की बात कर रहा था, लेकिन अब सब एक स्वर में विष्णुदेव साय के नाम के नारे लगा रहे हैं और संभवतः इसी से अंदाजा लग जाता है कि कितना बड़ा ये फैसला है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि विष्णुदेव साय का एक ऐसा नाम है, एक ऐसा चेहरा है जिसको लेकर के अधिकतर लोग एक स्वर में है। जनता पार्टी क्या कहेंगे, ये फैसला क्यों आपके हिसाब से सबसे सही है? बिल्कुल सही है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की नंबर वन पार्टी है, तो वो ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ के हिसाब से विष्णुदेव साय कैसे फिट बैठे हैं? बहुत ही एक नेक ईमानदार सीएम हमको मिला है और एक आदिवासी चेहरा, जो चेहरा ये एक बड़ा फैक्टर है। बहुत बड़ा फैक्टर है, आदिवासी चेहरा है, असर पड़ेगा पड़ोसी राज्यों पे। बिल्कुल पड़ेगा, जहाँ 14 सीट पिछली बार हारे थे 2024 के चुनावों में ये फैक्टर रहेगा। देव का देव विष्णुदेव, ये वो फैक्टर्स हैं और निश्चित तौर पर 2024 का चुनाव तो है ही, लेकिन हम लोग लगातार ही भाई अपने दर्शकों को बता रहे थे सिर्फ 2024 का नहीं 2028 के लिए भी अभी से तैयारी की गई है। ये तस्वीरें कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है उसके बाहर के विष्णुदेव साय प्रदेश के लिए क्यों बेहतर है? विष्णुदेव साय एक सादगी के व्यक्तित्व है और सादगी के व्यक्तित्व आपके सामने विष्णुदेव साय वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, क्यों प्रदेश के लिए क्यों बेहतर? अच्छा एक आदिवासी चेहरा है, आदिवासी चेहरा है, क्यों बेहतर? छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है और विष्णुदेव साय जी पहले प्रदेश अध्यक्ष पर, ये लीजिए ढोल नगाड़े बजने लगे हैं प्रदेश कार्यालय में, जिस बात का इंतजार किया जा रहा था। जितेंद्र आइए ये तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से इस वक्त यहाँ पर ढोल की थाप में नाच रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, और यही वो जो वजह है जिसकी वजह से विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान किया गया है, क्योंकि कुछ देर पहले जब विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली थी ये कार्यकर्ता अलग अलग प्रतिनिधियों के साथ में आए थे और वो उनका नाम ले रहे थे, लेकिन
नाम का जब यहाँ पर ऐलान हुआ कि विष्णु देसाई होंगे प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, तो उसके बाद में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी द्वेष के या बिना किसी एक तरीके से कंफ्यूजन के, अब सब एक साथ झूम रहे हैं। और इसी वजह से लगातार एबीपी न्यूज अपने दर्शकों को सुबह से बता रहा था कि यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता जुटे, ये तस्वीरें दिखाइए कि यहाँ पर जो तमाम जो कार्यकर्ता जुटे थे वो अपने नेताओं की बात जरूर कर रहे थे, लेकिन विष्णु देसाई का एक ऐसा नाम था जिसको लेकर के कहीं पर कोई जो है विरोध नहीं था, और यही सबसे बड़ी वजह रही उनके नाम के ऐलान की। जी, तो ये तस्वीरें भी काफी अहम, क्योंकि विष्णु देसाई और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो काफी खुश हैं, उत्साहित हैं। विष्णु देसाई के नाम का आधिकारिक ऐलान भर होना बाकी है, नाम हो गया है तय। एबीपी न्यूज पर ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी जान लीजिए। हमारे साथ अहमद बिलाल भी जुड़े हुए हैं। अहमद बिलाल, आप जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं, अब जरा उस पर आते हैं, हम दर्शकों को तस्वीरें दिखाते रहेंगे। 2019 में इन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया था, और 2019 से पहले तक बीजेपी की सरकार में ये केंद्रीय राज्य मंत्री थे। इसका मतलब कि बीजेपी इतनी बड़ी राजनीति पर काम करती है कि उससे पहले जो है उसी समय से ये तय कर लिया गया था कि आदिवासी चेहरा है छत्तीसगढ़ में, ये विधायक बनेंगे और वहां से जीते हैं तो मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब बहुत लंबी प्लानिंग बीजेपी की होती है। तस्वीर से जो आपके पीछे तस्वीरें चल रही हैं, साथ में वो भी दिखाते रहिए। बिल्कुल विवेक देखिए सबसे पहले तो मैं आपको जश्न की तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके का जश्न और किस तरीके का उत्साह यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कार्यालय में दिखाया जा रहा है। ढोल नगाड़े बजने की शुरुआत जो है वो हो चुकी है, और ढोल नगाड़ों की थाप पर किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता के कदम जो है वो इस वक्त थिरकने से चूक नहीं रहे हैं, और इसका कई दिनों से इंतजार जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में था। मैं रायपुर में की गलियों में पिछले 8 दिनों से घूम रहा हूँ, हर गली हर नुक्कड़ हर चाक चौराहे हर चाय की दुकान पर सिर्फ और सिर्फ यही चर्चा होती थी कि अब बीजेपी को बहुमत आ गया है, आखिर इस जीत का सेहरा किस चेहरे पर बांधा जाएगा, और ये सस्पेंस जो बना हुआ था पिछले 8 दिन से वो आज जो है वो खत्म हो चुका है। और विष्णु देसाई के नाम पर यहाँ पर केजी ने खुद की तरफ से जब जैसे ही मोहर लगती है वैसे ही नाम सामने आता है, और ये कार्यकर्ता जो है वो खुशी उत्साह और उमंग से झूमने लगते हैं। अब जहाँ तक आप बात कह रहे थे कि बीजेपी कितनी आगे की सोचती है, तो इसका अंदाजा आप ऐसे ही लगा लीजिए कि जैसा कि हम पहले से भी बताते आ रहे हैं कि 2023 का चुनाव, विधानसभा चुनाव किसने जिताया, मुख्यमंत्री का चेहरा वो नहीं होगा, बल्कि मुख्यमंत्री का चेहरा वो होगा जो कि 2024 का लोकसभा जिताने का मादा रख सकता है। और विष्णु देसाई एक ऐसा ही नाम है, एक आदिवासी चेहरा, एक आदिवासी मुख्यमंत्री होगा, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है सिर्फ छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी वोट बैंक है, जो आदिवासी समुदाय है, सिर्फ पर ही नहीं पड़ेगा बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो राज्य है जहां पर वो आदिवासी जनसंख्या रहती है उस पर भी सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा एक और अगर मैं रोचक आंकड़ा बताऊं कि तो छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन हुआ था साल 2000 में, तो अजीत जोगी के बाद ये दूसरा एक आदिवासी चेहरा जो है जिसको इस छत्तीसगढ़ जो कि एक आदिवासी राज्य के तौर पर जाना जाता है, तो एक आदिवासी चेहरे को कमान देना ये अभी अपने आप में एक बड़ा मैसेज जो है वो बीजेपी की तरफ से जाता है, और साफ तौर पर जब बीजेपी ने भविष्य की राजनीति तय कर दी है। अहमद बिलाल इस नाम को सामने लाकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के लिए बड़ी अपडेट हम आपको बता दें कि एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर लगी है, क्योंकि एबीपी न्यूज ने आपको सबसे पहले बताया था कि विष्णु देसाई छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, और उस पर मोहर लग गई है कि अब विष्णु देसाई जो हैं वो छत्तीसगढ़ के अगले सीएम होंगे। ये बड़ी अपडेट सबसे पहले हमने आपको बताया और उसी खबर पर लग गई मोहर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।